हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? और सुनाए, कैसे ईद गुजरी? बस ईद की मसरूफियत की वजह से ना आपसे 2 दिन वीडियो नहीं बन सकी, क्योंकि ईद पे कभी कहीं जाना कहीं आना, तो इसी तरह टाइम गुजर गया। आपसे बातचीत कर ले कुछ, फिर ईद के तीसरे दिन तो वैसे ही बंदा फारिग हो जाता है ना, तो मैंने कहा कि चले कहीं धो ले। तो आटा ख़त्म हो गया था तो कहीं धोने लगे थे, तो कनक ना लग गई है, इसमें ना सुसरी है, सुसरी की वजह से ना इसे अब धोना पड़ेगा। तो सुसरी भी है, कुछ मिट्टी भी है, ये देखे ना इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना, हाँ तो भर गए। तो अब इसे मैंने कहा धो लूँ, पहले तो इसे रहते छान कर ना साफ करके हाथ के साथ चक्की में भेज देते थे कि वो धोते नहीं थे। अब इसको धोना पड़ना है कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है, एंड है टप का, वैसे भी एंड है। अभी छोड़ो है, पानी अभी नहीं डालना, फिर थोड़ी सी कनक डालनी है तो दो कनक थोड़ी सी डाल जाए। बच्चे बस बड़ों को इतना शौक नहीं अब होता कनक धोने का, तो बच्चों को बहुत शौक होता है कनक के साथ खेलने का, लेकिन अब कई मेरे साथ ना कनक धोने लग गई है। मेरी भाग भी है बदीजी, तो कह रही चाची मैं मिली दूंगी ना इससे पानी में डाल या पानी में डाल कर ना थोड़ी सी रखेंगे मिट्टी ऊपर आ जाए। तो पहले माइयाँ होती थी ना, जो पहले वाली माइयाँ होती थी ना, वो कनक को धोती थी छानियों के साथ, इस तरह साफ करती थी। जब साफ करना फिर उसके अंदर से हटी छानी, और केला जब वो पहले माइयाँ होती थी ना, उन्होंने ऐसे छानी तो फिर साफ करनी, तो उसमें से सिर्फ ये दाने दाने रह जाते थे। तो अब ये है ना, ये हम लोग है ना, वो चक्की पर भेज देते हैं वैसे ही डाल कर, कहते हैं चक्की वाला छानना लगा दे तो दाने साफ हो जाएंगे ना। तो अब हमें क्या पता वो छानना लगाता है चक्की वाला या नहीं, तो दिल को तसल्ली सी हो जाती है कि दाने साफ हो गए हैं। हमने एक और कराया लिया है, ये छानना रखा है, छानी रखी है, छानी में बाद में हम ना जो इसके ऊपर से उतरेगा वो छानी में डालेंगे। ये हमने दाने थोड़ी से पहले हम गीला करें, दानों में अपनी भी बहुत गर्मी होती है। मैंने कहा धो लूँ, आटा खत्म हुआ था तो मैंने कहा चलो धो कर ही खाती हूँ। तरफ से नीचे से ना मिट्टी भी बहुत है, हम इसे धोऊंगी या सुबह। अब ये डालेंगे तो शाम को, ये इतनी तो धूप है शाम में ही सूख जाएंगे। और आप सुनाए कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी, खूब इंजॉय किया हमने, तो खूब इंजॉय किया। कल हमारी ननान की तरह हमारी दावत थी, तो पहले बाजी के घर थी, फिर ननान की तरफ थी, इसी तरह टाइम गुजरता रहा। एक मिनट ठहरो अच्छा, अभी थोड़ा सा कनक को गीली तो होने दो, खाई नीचे गिर गई है थोड़ी देर, अच्छा थोड़ी सी गीली होने दो इसके ना, अभी हाथ ना डालो क्योंकि वो नीचे गिर रही है। तो इस तरह सूखी कनक होती है ना पानी में, ये सूख जाती है जब इसमें पानी में डालते, ये सूखी होती है ना, फिर ये ऊपर ऊपर होती है, तो फिर जब छल्ले को चल जाती है ना। अभी ये मैंने इसकी तैयारी कि सारी हम अच्छी तरह कर ले रहे, छानी में कितनी मिट्टी लगी है, कितनी मिट्टी है ना, तो इसलिए अब छाना, इसीलिए ना चक्की में नहीं भेजी गई ना, नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, टप खाली करने आ रहा है, नहीं कनक आ रही है, तो फिर टप भी खाली करना है, कनक भी डालनी है। देखिए एक दो दिनों में हम टप खाली करने की सोच रहे हैं, फिर खाली करें। बेटा एक मिनट ठहरो, सही ये बच्चे काम आते हैं, बड़ों की बातें तो मानना ही छोड़ दिए। कहीं जा रही हूँ, जरा सबर करो सबर करो, वो मुझसे भी काली है, वो कहती कि चाची से मैं काली बन लूँ,
कि मैं ही धो दूँ। हमने भी कनक एक साथ इतनी सब्र तक अल्ला एक बार तो अपना हाथ काटो, मैं पानी गिराऊँ, हाथ काटो अपना। हमने अपनी अम्मी से ना कनक धोना सीखी थी। पहले जो माइया थी ना वो कनक धोती होती थी, वो होकर ही खाती थी। आप लोग भी कनक धोकर भेजते हैं या वैसे ही भेज देते हैं? सब्जी पे ना फिर जरूर बताइए। ये देखना कनक धोना कितनी मुश्किल काम है। पहले मैं माइया बहुत चार के साथ कनक धोती थी, उसे छानी के साथ साफ करना, ठीक है ना। हमने कहा ना अम्मी उसे अब इसे धो तो लिया, अब इसके साथ क्या करना ना। जब फिर जब अगर अम्मियों लोगों ने नहीं माना फिर उन्होंने छानियों में साफ करना। फिर हम लोगों ने फिर कहने लगे ना जब इसने छाननी कह ली है तो सारी मिट्टी तो निकल आई है। लेकिन नहीं, मुझे पता नहीं क्या शौक था, वो जब साफ करती थी ना तो एक दाना भी किसी चीज का नहीं रहने देती थी। सेम दाने यही जो साफ हमारे हाथों में साफ दाने यही होते थे। अब भी जो पुरानी माइया है ना वो धोकर ही बेचते जाते हैं। अब तो हमारे खानदान में एक ही ताई है, एक ताई है एक पप्पू है। तो उन्होंने भी ना अब तक वो पुरानी है ना माइया, वो अब भी उन्होंने तसल्ली नहीं होती, वो अब भी कनक धोकर ही बेचती है। उनकी बहू रानियाँ भी है लेकिन वो कहती है कि मुझे तसल्ली नहीं होती। वो भी यही अब कह रही थी कि छानना लगवा लेते हैं ना, तो मेरी ताई को ना तसल्ली नहीं होती। मैं कहती थी नहीं धोनी है, अब वो धो कर ही अभी तक वो धो कर ही खाती है। धोने से तरह की होता है कि कहते करने की ना गर्मी जो सेक है गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है। पता नहीं पहली महीने तो यही कहती थी कि वो सही थी या हम लोग सही थे। हम कहते हम ये लोग बन गए ना। हमने कहा नहीं नहीं हम सही है, कनक में गर्मी नहीं होती। लेकिन देखा जाए तो कनक में वाकई गर्मी होती है सेक। तो जब इसे कप को हम कमरे में रखे ना उसी रूम में जिस कमरे में आप रूम में रहते हैं ना उसी कमरे में आप यकीन करें आप जाकर फैन भी पंखा भी चलाएंगे ना तो इसका सेक होगा। ये ना अकेले सही ड्रम का सेक है तो इसलिए ना आप ये हमने भी तो बाहर रखा हुआ है तो हमारे भी ये कमरे में ही था तो फिर निकाल दिया। अब हम सुनेंगे ना कमरे में वाकई बहुत गर्मी थी। इसकी हीट भी बहुत होती है, इसे अब धोने में भी ये गर्म है। इसकी जब सूसरी जो है ना इसमें सूसरी लग गई है, सूसरी की वजह से इसे धोना पड़ रहा है। दूसरी पर लग कर ना आटा सा बन गया, जैसे ना मैंने हाथ डाला था ना या सी कनक को गीला हाथ डाला तो कैसे आटा सा लग गया, ये ना आटा सा बन जाता है। तो फिर अब धोना ही पड़ना था। तो आप लोग भी तो इस्तेमाल करते हैं और सुनाए कैसी थी पीछे दिनों। तो ये वाले दिन तो हम घर पर ही नहीं थे, कभी कहीं जाते कहेंगे दांतों पर जाते रहे ना इसलिए वीडियो नहीं बना सके। माजन खान है हम आपसे ना ये छानना है इनका। चलो इसे इसे दो होकर ना कनक निकाल लें, फिर अब कनक धोई गई है टूटी चला के चलती रहेगी। जो इसके ऊपर ये ऐसे आते रहेंगे ना जब हाथ मारेंगे इसके कनक को निकालने के लिए तो ये ऊपर की आती रहेगी। ये पानी के साथ हल्की है ना, ये कनक जो होती है ना वो काटने के लिए इतनी लगी नहीं है। अगर कनक ज़्यादा लग जाती ना तो फिर हमारा नुकसान ज़्यादा होना था। क्यों फिर अगर कनक ज़्यादा लगती तो लोग कनक के अंदर सुंदी होती है ना उसमें भी ऊपर को आ जाती है ना। अगर अब हमने जो इसके अंदर जो चीज़ हल्की होगी ना जैसे हमने इसमें डालना शुरू करना ना कनक छानने में वैसे ही इसमें ना जिस चीज़ों में ऊपर आना शुरू हो जाना मिट्टी भी बहुत गिर जाएगी ना निकल जाएगी, मिट्टी भी नीचे बैठ जाएगी और ये कनक भी धोई जाएगी। ये तो हमने अपनी अम्मियों से सीखा है। आ
आपने अपने मुँह से क्या क्या सीखा? हंडिया बनाना भी अम्मियों से सीखना पड़ता है। और रोटियाँ? नहीं, रोटियाँ बनना सीखता है लेकिन काम सीख होती है। देखिए सारी करने की साथ साथ आपने गढ़ाई जा रही है। अब सामने ना डाली आपकी वजह से सारी आपके पास कितनी तरंग हुई है। और मैं इसी बात से देखें नीचे, ये देखिए जब हमने इसको धोया तो इसके ऊपर कुछ नहीं था, पानी हमारा साफ था। दिखाए ना नाजरीन को, आ गया अंदर देखे पानी साफ था। अब जैसे ही पानी थोड़ी सी कनक इसमें छाननी में डाल दी और ये देखे ऊपर से फिर वो नरम सी वो जो ये थोड़ी सी जो ये तुड़ी थी फिर से ये ऊपर आ गई है। अब इस तुड़ी को फिर से हम निकालेंगे। ये छाननी रखी तो हमने इसलिए थी, छाननी का फायदा भी कोई नहीं आ रहा। बच्चे साथ काम तो कराते हैं, साथ साथ काम खराब भी कराते हैं, सही भी कराते हैं, खराब भी। देखे ना उस बच्ची को पता ही नहीं चला उसने कहना वो भी हमने इसमें डाल दिया। तो ये नीचे से निकल था वो खाने की, तो मैंने कहा इतनी सी धो दूँ बहुत ज़्यादा। देखा मैंने के लिए नकार रही थी, बच्ची को पता नहीं चला। उसने फटाफट इसमें से ना कनक को उठा कर उधर डालने की कोशिश की, शुक्र है मैंने देख लिया वरना मुझे सारी कनक फिर धोनी, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत है। अब ये नई डाली है ना, इसके साथ ऐसे नहीं ठा सकते क्योंकि जब इसे मिट्टी देखे इसमें कितनी है, दो तीन पानियों में से धोऊँगी तो फिर ये ना फिर ये होगा। और बताया आपने कुर्बानी किस किस जानवर की थी? हमने तो बकरी की सॉरी बकरे की कुर्बानी की, तो आप भी बताया आपने किस जानवर की ना कुर्बानी की। कैसे दिल को कुछ कुछ तो होगा जब जानवर को छुरी फेरी गई होगी, क्योंकि इतना प्यार जानवर के साथ इतना प्यार हो जाता है। एक दो दिन पहले लेकर आओ तो फिर बच्चों को भी कुछ होता ही है, बच्चे भी कहते हैं नहीं अभी ठहरे अभी ठहरे, ईद के तीसरे दिन कर लेना। इसी तरह मेरे भतीजों ने ना मेरी बकरी बछड़ा लिया तो वो अपने बाबा से कह रहे थे ईद के तीसरे दिन करना है। बाबी कहती मैंने कहा नहीं नहीं कर लो ठीक है ना, कि बकरों को सोने तो देते नहीं हैं। वो इतना बच्चे बकरों के साथ खेलते थे ना, जब उसने आराम करना, इसने किसी बच्चे ने कान से पकड़ लेना, किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ लेना, तो वो बेचारा नाल इन रात का इंतज़ार करता था। बच्चे रात को सोएंगे तो फिर मैं भी सोऊंगा, सारा दिन बच्चों ने उसके साथ ही खेलते रहना। बेचारी सही ऐसे ही करते थे क्योंकि ना बच्चों को बहुत शौक होता है बकरों के साथ ना खेलना। ना करो ना, अभी जिसमें मिट्टी है बस इस तरह देखो ना, अभी मिट्टी जब पानी साफ हो जाएगा ना, पहले साफ हो गया था ना पानी, कोई तभी पर ये मैंने कहने कैसे खाई थी। अब पानी को पहले थोड़ा सा साफ तो करें, ये फिर इतनी मिट्टी है और ऊपर से सूखी है और सूखी की वजह से ना ये ना हो रहा है। कनक तो धोते जाएंगे वो आपसे बातचीत कर ले थोड़ी सी। हाँ कनक इसी तरह छोड़ देना थोड़ी सी गर्मी निकल जाए। और आप सुनाएं कल मैंने भी अपनी बहन भाइयों की ना दावत लेनी है कल शाम को, देखें क्या बनाते हैं। कि अब बकरे का गोश्त बनाती हूँ तो या बड़ा गोश्त बनाती हूँ, अब तो उनके नाम ही आ गया। अब बड़ा छोटा नहीं कहते, अब मीट तो मीट पता नहीं ऐसे ही कुछ उनका नाम है, क्या नाम है बीफ। देखा वही कहा ना हम बड़ा छोटा कहते थे, अब वाले बच्चे हमें कह देते हैं नहीं ये बड़ा छोटा नहीं है ये मीट और ब्रीफ अरे क्या इसका नाम है वो ही नाम मुझे था, मेरे नाम नहीं जहन में वो नहीं आ रहा जबान। तो वो कह रहे वो भले अब इस अब गोश्त को ये कहते हैं
आप भी सीखे, आप भी सीखते हैं। मैं कैसे सीख जाऊँगी आस्ता आस्ता। तो आप लोगों ने बताया, आप क्या कहते हैं, बड़ा छोटा या बच्चों की तरह मीट कहते हैं? और सब ठीक है? बस अब हम ना कनक को ऊपर खोलें। आपको बताएं कि हमने अब इसके ऊपर खोलना है, तो सुबह बोलेंगे शाम को ये सूख जाएगी फिर से चक। अच्छा, मैंने कहा था कि कम धो लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं नहीं ज़्यादा धो ले, के महीने की धो लेना। मैंने कहा था चलो ये ना मौसम आ रहा है फोन भर देगा ना, तो मैंने कहा इसको ना थोड़ी सी धो लेती हूँ कि सुसरी सुंडी लग जाएगी। लेकिन वो कह रहे कि धोनी है तो एक ही दफ़ा सारी धो लीजिए ना, तो सौन पाद के आना ही आनी है। उस टाइम से फिर सुसरी सुंडी से दाने भी खराब हो जाएंगे। और ड्रम देखो खाली करने वाला होया वा, तो खाली करना वा किस दिन सुबह सुबह, फिर अच्छी तुम दिखावे असं ड्रम किस तरह खाली कर रहे हैं ना। ये सुबह सुबह ही ठंडे ठंडे में ही कनक धो होती है, और ठंडे ठंडे में ही ये कनक खाली होगी, बिल्कुल ही खाली हो गया ना। अब हाथ डाल डाल के इसमें से निकालना बहुत मुश्किल है। तो नीचे पड़ी कनक भी इंतज़ार कर रही है कि कब मुझे बाहर डालेंगे ना। जब कनक हम निकालेंगे इसको धूप लगाएंगे। अच्छा एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहर हफ्ता इसे पीछे मटन से आ गए नहीं, वो इसमें डाल दिए, निचड़ गए ना, निचड़ गए ये निचड़ गए ना। अब इसमें डाल लेंगे तो हल्के हो जाएंगे, पहले ये वजनी हो जाने हैं। ठहरो, गीले गीले इसमें डालेंगे ना, ये वजनी हो जाने हैं और वो निचड़ जाएंगे। अब इसमें डालो, कहना धोना साफ करना मुश्किल, धोना मुश्किल और खाना आसान। की कर इस तरह ना खा ले, तो सुसरी भी ले जाती पी जा, बच्चों को डालने आती नहीं है। बस ये इसमें नीचे कितनी ज़्यादा मिट्टी है देखना। अब इसके आपने धोई और ऊपर ऊपर से उठाई, हफ्ता पीछे हटो ना, ये देखिए अभी भी कितनी मिट्टी है। हमने ऊपर ऊपर से दाने उठाए और नीचे देखिए कितनी मिट्टी है। अब ये एंड पे हमने ना इसको धोना है, मैंने कहा इस छानी में से ना, अब छानी में पानी डालती हूँ। मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि आखिरी टप है ना, आखिरी टप की वजह से इतनी मिट्टी है। नीचे एंड होगा ना टप का, जितना की मिट्टी मिट्टी वाली होगी थी धोया है। अब ये धोएंगे, अब ये इसको साफ करेंगे, साफ कर कर ही चक्की पर भेजा जाएगा। अब ये आँख में इतना मेरे के आखिर में फिर नीचे कितनी होती है, इसके अंदर हमने हाथ डाल कर मिट्टी के साथ इसको लेकर आते, देखे कितनी मिट्टी है। तो बाद में भी इसको धोना पड़ता है। एंड वाली करने सबसे ज़्यादा मुश्किल धो होती है, क्योंकि एंड वाली कनक में ही तो मिट्टी रह जाती है। और बाद में ये जगह धोना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि कितने उठे हैं सब उठ जाएगा अभी। हाँ लेकिन नीचे ज़मीन पर कितने दाने बिखर गए हैं, तो वो झाड़ू रखा था, उस झाड़ू ने वहाँ से रोका हुआ है कि पैप में ना चल जाए ना दाने, फिर वहाँ पैप साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए साफ झाड़ू रखा हुआ है। अब इस जगह को छत पे खोले इसे ना, छत पे जा रहे हैं बाद इतनी मेहनतों के बाद से धोना धो के इसे छत पे खिलाना। छत पे भी छत पे खिलाना भी बड़ा औखा काम है, मुश्किल काम, मुश्किल औखा
एक ही बात है, बच्चे गलतियां देखे कैसे निकाल रहे के ओखा ओखा तो मुश्किल एक ही होता है, लेकिन वो देखे ना जिस ये कपड़ा नीचे रखो, इसे ड्राई कर दूं, इसे भुला दे अब, एंड हमारा हो गया है कनक धोने का, हमने सारी कनक धो ली है। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, हमारी आप हमें दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखें। अगली लास्ट वीडियो पर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। इतनी मेहनतों के साथ हम वीडियो बनाते हैं, आप हमारी फुल वीडियो देखा करें, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।